हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दरभंगा का एम्स जितना जल्दी हो बनवाइए, निर्माण करवाइए और सम्राट चौधरी का सबसे पहले वहाँ इलाज करवाइए। पगड़ी इतना कस के बांधे ना कि कहीं का दर्द नस दब गया उनका। जा रहे हैं उद्या खोलने। क्या नीतीश कुमार जा रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या बोले थे वो पगड़ी कहले बांधे थे कि जब तक नीतीश कुमार वो गद्दी से उतार नहीं देंगे ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो अयोध्या जा रहे हैं तो नीतीश कुमार जा रहे हैं क्या? बताइए, जब आपके मुंह का बोला हुआ वैल्यू नहीं है सम्राट चौधरी, तब बिहार में डिप्टी सीएम बने में क्यों हुआ? आप इस्तीफा दीजिए। जब वो भी तो एक आरजेडी का ही प्रोडक्ट है ना, तो वो भी तो एक हिसाब से गुंडा ही है। सम्राट चौधरी से बड़ा गुंडा कोई है बिहार में? सबसे बड़ा गुंडा है वही है। उसका बाप तेजस्वी यादव पार्टी में कितना साल रहा है, वहीं से आकर के राजनीति चालू किया, उसके बाद आ गए फिर तुम भी आकर उसी से राजनीति चालू किए हो। अरे तेजस्वी यादव जो काम किया वो काम करके दिखाइए ना आप। रात में 2 बजे आप जाइए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का जायजा लीजिए तेजस्वी यादव ने किया है, हमने वीडियो देखा है। हॉस्पिटल में जो जितने भी डॉक्टर या कर्मचारी वहाँ पर नहीं मिले उनको तुरंत निलंबित करने का काम किया कौन? तेजस्वी यादव ने। आप जाइए ऐसा कीजिए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पे निशाना साधा है, उसके बाद जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते नजर आए कि जो तेजस्वी यादव है उनका दिमागी संतुलन खराब है, उनका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि जो गुंडागर्दी होती है और जो भी अपराध के मामले हैं वो लालू राज में ज्यादा थे। इन्हीं सब मुद्दों पे जनता से बातचीत करेंगे और जनता से जानेंगे वे क्या कुछ सोचते हैं, क्या लग रहा है लालू जी के राज में ज्यादा गुंडागर्दी था। देखिए गुंडागर्दी हर राज में है, सब सरकार में गुंडागर्दी हुआ है, वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या जो भी हुआ है। लेकिन अभी सम्राट चौधरी को बिहार में सबसे पहला उसको ये होना चाहिए कि 2 महीने के बाद बारिश है, कि कोसी क्षेत्र है उस पर वो बाढ़ की समस्या है, जहाँ पे बीजेपी इस बार अच्छा खासा सीट भी लाई है, उसको समस्या रोजगार पे करनी चाहिए। बिहार में जो आए दिन पुल गिर रहा है उन पे बात करनी चाहिए, ना कि वो पीछे के टॉपिक पे सम्राट चौधरी साहब को बात करनी चाहिए कि पीछे क्या हुआ है। क्या लालू जी गुंडागर्दी के प्रतीक है? देखिए वो शुरू भाई, जब वो भी तो एक आरजेडी का ही प्रोडक्ट है ना, तो वो भी तो एक हिसाब से गुंडा ही है। मान लीजिए कि तेजस्वी यादव जी उनके फादर गुंडा राज थे, तो भाई पहले इससे पहले तो आप भी उसी में थे ना, तो आप भी तो गुंडा ही हुए। उससे सम्राट चौधरी से बड़ा गुंडा कोई है बिहार में? सबसे बड़ा गुंडा वही है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है बिहार में, दोनों जब डबल इंजन की सरकार, तो मान लीजिए कि सबसे ज्यादा सीट है तो बीजेपी की ही मानी। अभी बिहार में आए दिन पुल गिर रहा सिवान में, अरड़िया में, आए दिन मोतिहारी में, तो उनको सबसे पहले पुल के निर्माण के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे कि लालू यादव गुंडा राज कर रहे हैं या तेजस्वी यादव बकलोल है, क्यों ना क्या है, उससे वो मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर ये है कि भाई आप पुल गिर रहा है उस पर आप निर्णय लीजिए, बात ही सिंपल है। मैं कह रहे तेजस्वी जब बोले कि अपराध बढ़ते जा रहा है, तो कह रहे सम्राट चौधरी उनका दिमाग खराब हो चुका है तेजस्वी यादव का। देखिए बिहार में तो अपराध तो शुरू से ही है, लेकिन पहले के मुताबिक आए दिन अब पहले कम हुआ है, ठीक है, लेकिन अपराध अभी मैटर अपराध का नहीं है। अभी मैटर है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं मैम, कोसी क्षेत्र से, कोसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले मेरे क्षेत्र में अररिया में पुल गिरा है, तो भाई सबसे पहले बीजेपी की वहाँ सरकार है, प्रदीप सिंह जीते हुए हैं, तो पहले वहाँ पे पुल की बात होनी चाहिए, सिवान में पुल की बात होनी चाहिए, ना मुद्दे की बात होनी चाहिए, ना कि पीछे जनता को भटकाया जाए। शुरू से ही बीजेपी जब से आई है 2014 से लेकर 24 तक वो जनता को भटकाने का ही काम कर रही है, आए दिन इधर का उधर हिंदू मियाँ, लेकिन जो काम की बात है, जो पॉइंट टू पॉइंट काम है, वो पॉइंट पे काम नहीं कर रही है, पॉइंट पे बात नहीं हो रही। सिर्फ वो कि लालू यादव क्या कर रहे हैं, लालू यादव कितना बच्चा पैदा किए हैं, लालू यादव की बेटी कहाँ जा रही है, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, उस पर वो काम करेंगे। सम्राट चौधरी भी अयोध्या दौरे पे जाने वाले हैं, तो हाँ वहाँ तो पगड़ी उतरेगा ना, वहाँ भी बोले तो मुंडन, अब तो मुख्यमंत्री उतर जाएगा पगड़ी, उसको कह दिया कि मुंडन ना करवाए, वो बोले थे ना कि हम पगड़ी ना उतारेंगे, तो भाई वहाँ पे तो एक नियम है कि आप वहाँ जाओगे तो भाई बाल मुड़वाना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो भगवान के सामने तो नसमुख तो पगड़ी उतारने वाले हैं, उतर भी जाएंगे मैम, जा रहे पगड़ी उतारने सम्राट चौधरी, उतारने दीजिए उसका हम बातें नहीं करते हैं, उसको जब बोलने का सहूर्य नहीं है। कह रहे तेजस्वी यादव का दिमाग खराब है? हाँ उसका दिमाग ज्यादा सही है, उसका बाप तेजस्वी यादव पार्टी में कितना साल रहा है, वहीं से आकर के राजनीति चालू किया, उसके बाद आ गए फिर तुम भी आकर उसी से राजनीति चालू किए हो। भ्रष्टाचार के प्रतीक है लालू यादव सम्राट चौधरी। तू कहा है तुम्हारे राज्य में पुल गिर रहा, कहाँ से जा रहा है? मुद्दे की बात करो ना, जो चुनाव में क्या क्या बात करना चाहिए, आप उसको बात नहीं करोगे। बिहार में अपराध जो बढ़ रहा है उस पर क्या कहेंगे? बिहार में अपराध बढ़ रहा है तो उसी का देन है, बढ़ रहा है, उजुल सुजुल बातें कर रहा, वो तो ये भी बोला था जो कुशवाहा की तरफ आंख उठा के देखेगा उसको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जात विशेष पे तुमको क्या बात करने का मतलब है? तुम मुद्दे पे बात करो ना, 2024 का चुनाव अभी तुमने मुद्दे पे नहीं लड़ा, जनता के मुद्दे पे लड़ो। सरकार तो बनी सरकार बनने की बात अलग है मैडम, देखो सर सरकार बनना न बनना ये तो जनता के हाथ में बात है,
कि हमारे कहने से थोड़ी आरजेडी का सरकार बन जाएगा, हमारे कहने से थोड़ी बीजेपी का सरकार बन जाएगा। 130 करोड़ जनता है, उसका वोट दिया है, उसकी वजह से बना है सरकार। अब सरकार बना तो मिलीजुली बना है। सरकार तुम कहाँ बना पाए? हम तो यूपी के हैं, देख लो हमारा आधार कार्ड, हम लोग तो रोक दिए तुमको, वहीं से रथ रोक दिए। बिहार वाले ज़्यादा नहीं रोक पाए, बिहार वाले नहीं रोक पाए, हम लोग तो रोक दिए, वहीं पर रोक दिए, बहुमत नहीं आ पाए। अब वहीं पर ला कर लटका दिए यूपीए से, फिर लटका देंगे 2027 में, लटका देंगे, लटका देंगे। क्या होगा बिहार में, क्या लगेगा? अब बिहार का तो हम नहीं बता सकते हैं क्या होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति समझ में नहीं आता है। बिहार की राजनीति समझ में ना, यहाँ के लोग गोल मटोल है, कुछ बोलेंगे कहीं कुछ जाएंगे। यहाँ जो दबंग है वो अपना बूथ पे वोटें नहीं डालने दिए, हम तो ये भी देखे हैं। सम्राट चौधरी जो है, इनसे पहले जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ में थे तो सम्राट चौधरी ये बात बोले थे कि भाई नौकरी वोकरी नहीं है। वो डबल इंजन की सरकार में वही तेजस्वी यादव को बखलोल बोल रहे हैं ना, गुंडा राज। तो तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार के साथ में कितना युवा को रोजगार दिए, ये गांधी मैदान में कितना प्रमाण पत्र बंटवाए। तो भाई आप भी तो नीतीश कुमार के साथ में हो, तो आप एक भी प्रमाण पत्र अभी कहाँ बंटवाए हो, एक भी प्रमाण पत्र बता दिए। वो भी तो उप मुख्यमंत्री है ना बिहार के, तेजस्वी यादव भी थे। तेजस्वी यादव मान लीजिए सम्राट चौधरी के अनुसार बेवकूफ, ठीक, आप बहुत समझदार। जब आप समझदार हो भाई साहब तो आप नौकरी दो, पुल गिरा पुल पे बात करो। आप क्यों ये बात कर रहे हो? तेजस्वी यादव तो आप ही के पोस्ट पे रहते ना, आज से कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री थे, तो आप उप मुख्यमंत्री रह के नीतीश कुमार के साथ में उन रोजगार देने का काम किया। और आप कि कौन किसका पगड़ी उतार रहा है, हिंदू मियाँ कहाँ लड़ाई करेगा, ये सब टॉपिक पे आपको फालतू टाइम में बात करने का कि आपका पगड़ी उतारे, उसका पगड़ी में ऐसा कहा है मैम कुछ है? मुद्दे पर बात करो, चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। 2024 का चुनाव बीजेपी मुद्दे पे लड़ा है। मोदी जी को बोला गया था, वो बोले थे कि मैं इतना फैक्ट्री लगवा दूंगा, वो नहीं लगवाए। बोले थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए, वो दिए। दरभंगा में विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, दरभंगा में एम्स बना। अरे मुद्दे पर तो बीजेपी बात करती है, कहते हैं कि अपराध बढ़ गया है, ठीक है अपराध बढ़ गया है, तो भाई आप क्या है, उप ड्यूटी सीएम है, अपराध में कंट्रोल कीजिए। आप जैसे ड्यूटी सीएम बने, आपको क्या मिला? जेड प्लस का सुरक्षा। आम आदमी के लिए क्या है, आम आदमी को क्या मिला? हर दिन आंकड़ा उठा के देखिए, डाटा उठा के देखिए कि हर दिन बिहार हो रहा है, हर दिन क्या हो रहा है, हर दिन लूटपाट हो रहा है। कि लालू राज में भी तो होता था, मतलब उसे कंपेयर की, उसे कंपेयर कर रहे हैं क्या? कंपेयर कर रहे हैं उसे क्या? तो हम कह रहे हैं उनके जो महागुरु जिनको मानते हैं सम्राट चौधरी, मोदी जी को, हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दरभंगा का एम्स जितना जल्दी हो बनवाइए, निर्माण करवाइए, और सम्राट चौधरी का सबसे पहले वहाँ इलाज करवाइए। मानसिक, हाँ, पगड़ी इतना कस के बांधे ना कि कहीं का दर्द नस दब गया उनका। नीतीश कुमार जा रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या बोले थे वो, पगड़ी कहले बांध देते हैं कि जब तक नीतीश कुमार वो गद्दी से उतार नहीं देंगे ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो अयोध्या जा रहे हैं तो नीतीश कुमार जा रहे हैं क्या? नहीं। तो कहे जा रहे हैं, मुंडन करवाएंगे। बताइए, जब आपके मुंह का बोला हुआ वैल्यू नहीं है सम्राट चौधरी, तब बिहार में डिप्टी सीएम बने में क्यों हुआ? आप इस्तीफा दीजिए। दोनों साथ में है ना, दोनों साथ में। कौन दोनों साथ में? नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी। अरे तो भाई पुल पे कहानी बात कर रहे हैं, एक हफ्ता 10 दिन के अंदर में 3 पुल गिरा है बिहार में, पुल पे कहानी बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को लेकर क्या हो रहा है? जो पद पे अभी सम्राट चौधरी है, आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले उसी पद पे तेजस्वी यादव थे, ठीक है? तो इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं आप। अरे तेजस्वी यादव जो काम किया वो काम करके दिखाइए ना आप। रात में 2 बजे आप जाइए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का जायजा लीजिए, तेजस्वी यादव ने किया है, हमने वीडियो देखा है। हॉस्पिटल में जो जितने भी डॉक्टर या कर्मचारी वहाँ पर नहीं मिले उनको तुरंत निलंबित करने का काम किया कौन? तेजस्वी यादव ने। आप जाइए ऐसा कीजिए, आपको सुरक्षा का जरूरत है, आपको जेड प्लस मिल गया, आम जनता को क्या मिला? आम जनता को क्या मिला? आपको तो जेड प्लस मिल गया। आप जैसे शपथ ग्रहण करके उतरे हैं ड्यूटी सीएम का, सही जेड प्लस का सुने के जेड प्लस दोनों को मिल गया अलग अलग। सम्राट चौधरी को भी एक, कौन कौन है, विजय सिन्हा को, दोनों को जेड प्लस। क्या है जनता की सुरक्षा कौन करेगा? आपका सुरक्षा तो हो गया, आपको तो जेड प्लस का सिक्योरिटी मिल गया, आम जनता जो मर रहा है उसको सुरक्षा कौन देगा? ठीक है, सुधरने की जरूरत है, क्या कि आने वाले आप ही के सर के ऊपर चुनाव है 2025 का जी। चलिए जनता के बीच है, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने जब सवाल उठाया तो जो जेडीयू और भाजपा है उन पे हमलावर है, लगातार लालू राज की याद दिला रही है। बाकी आप क्या को सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।